कौन रही हूँ, अकाउंट से। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इससे पहले हम लोग वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड देन कंपोजिशन ऑफ वाटर, ये सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। वाटर दैट इजिली गेट्स लादर विद सोप एंड डजंट फॉर्म स्कम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, लादर का मतलब होता है झाग, ठीक है। एंड स्कम जो है वो वाइटिश से हमारे पास होते हैं कि पानी के अंदर छोटे छोटे वाइटिश से ना स्केल्स से बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर वाटर जो है वो आपने देखा होगा कि एक ही अगर सपोज बर्तन में बहुत अरसे तक उस पानी उबाला जाए तो जैसे गीजर वगैरह हो गया, ठीक है, उसके अंदर पानी को बहुत अरसे तक गर्म किया जाता है ना, ठीक है, ऑन रेगुलर इंटरवल्स, तो उसकी जो लेयर होती है आउटर लेयर होती है उस कंटेनर की, ठीक है, उसके ऊपर वाइटिश से कुछ स्केल से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उसे स्कम कहा जाता है। तो अब एक ऐसा पानी जो कि झाग इजीली बना लेता है, ठीक है, एंड देन सोप के साथ, रिमेंबर दिस थिंग, जो कि सोप के साथ इजीली झाग बना लेता है एंड ये जो डिफरेंट तरह के स्केल्स होते हैं वाइटिश से वो नहीं बनाता, तो हम ऐसे वाटर को सॉफ्ट वाटर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे उलट हो जाता है, यानी ये कि वो पानी जो है जब उसके साथ सोप को मिक्स किया जाता है तो वो सोप के साथ झाग ना बनाए, ठीक है, या बहुत थोड़ी और बहुत कम झाग बनाए बहुत देर तक रगड़ने रगड़ने के बाद, ठीक है, और इसके साथ, या फिर ये हो सकता है कि उसके साथ ही वो डिफरेंट तरह के स्केल्स बनाना शुरू कर दे, ठीक है, सोप के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हार्ड वाटर, ऐसे वाटर को ना हम हार्ड वाटर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास कंडीशन है कि या तो वो उसके साथ स्केल्स बनाने शुरू कर देगा ये वाइटिश से, या फिर जो है वो बहुत कम झाग बनाएगा, ठीक है, तो ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। रेन वाटर, अब ये बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्यों है देखते जाइए। रेन वाटर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एज इट फॉल्स थ्रू द एटमोसफेयर। जब रेन वाटर फॉल करता है, ठीक है, तो जो एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके अंदर अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जो कि असल में क्या है, वीक एसिड है। दिस कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, एक ऐसा वाटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो उसे कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। पजेस passes over or through the rocks containing calcium carbonate, ठीक है, ये उन rocks के ऊपर से pass करेगा जिनके अंदर calcium carbonate है या फिर magnesium carbonate है, ठीक है, the acid present in it attacks these rocks. अब क्या था, ये जो carbonated water था, ठीक है, इसके अंदर क्या था असल में, ये जब carbon dioxide के साथ react किया तो carbonic acid बना, ठीक है, H2CO3. ये carbonic acid calcium carbonate के साथ यानी CaCO3 के साथ या मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या करता है, और ये रिजल्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। देखिए CaCO3 H2CO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। So, ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है अगर ये किसी भी वाटर के अंदर मौजूद होगा देन इट वुड रिजल्ट इन द हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। इसी तरह अगर जिप्सम दैट इज CaSO4 विद टू वाटर मॉलिक्यूल्स या जिप्सम एनहाइड्राइड यानी CaSO4, ठीक है, इस तरह केसराइट दैट इज MgSO4 विद सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे तो ये सब के सब क्या करेंगे, वाटर को हार्ड बना देंगे। तो नाउ यू हैव 5 केमिकल्स जिनकी जो कि वाटर के अंदर मौजूद होंगे तो वो उसको हार्ड बनाएंगे, ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन द हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर ये केमिकल मौजूद नहीं है देन हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिप्सम एनहाइड्राइड, ठीक है, दिस इज नॉर्मल जिप्सम और ये जो एनहाइड्राइड है इसको आप जिप्सम एनहाइड्राइड कहेंगे, एंड देन वी हैव द केसराइट,
ठीक है, ये सब के सब केमिकल भी मौजूद हो सकते हैं या फिर एट अ टाइम एक केमिकल, दो, तीन, चार इस तरह मौजूद भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जब मौजूद होंगे देन वी विल कॉल दैट वाटर एज हार्ड वाटर। नाउ देखिए, आपके पास तीन तरह की डेफिनेशंस आ गई हैं। कैसे? देखिए, द वाटर व्हिच गिव्स लादर विद सोप इज नोन एज सॉफ्ट वाटर, द वाटर व्हिच डज नॉट फॉर्म स्कम विद सोप इज नोन एज सॉफ्ट वाटर, या फिर द वाटर व्हिच डज नॉट कंटेन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिप्सम, जिप्सम एनहाइड्राइड एंड केसराइट आर नोन इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, जबकि इसी के ऑपोजिट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वाटर व्हिच डज नॉट गिव लादर या फिर व्हिच फॉर्म्स लिटिल लादर विद सोप इज नोन एज हार्ड वाटर, और द वाटर व्हिच फॉर्म्स स्कम इज नोन एज हार्ड वाटर, द वाटर व्हिच कंटेन्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिप्सम और जिप्सम एनहाइड्राइड और केसराइट आर नोन इज नोन एज हार्ड वाटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता चलेगा आगे फर्दर जब आप टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि हार्डनेस के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन सा केमिकल मौजूद है उसके बेस पे हम कहेंगे कि कौन सी हार्डनेस हो रही है विद इन द वाटर। तो हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।